हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज है, हम आज की रात रुके थे स्वामीनारायण मंदिर के, जो लोग जो आते हैं यहाँ पर कथा करने के लिए, उनके ठहरने के लिए जो जगह है, एसी हॉल, एक रूम में 5 जने आराम से सो सकते हैं, क्योंकि 2 बेड और एक खटिया मतलब कि खाटला जो होता है वो, सबके लिए ब्लैंकेट और ये सब फ्री है, नो चार्ज। और हम यहाँ पर रुके थे, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। और बसी तो दर ही हो, ब्रीत नहीं हुई, ये बंद को सब निकल चुके हैं, नाश्ता कर लिया और रात है डायरेक्ट अंदर से ऊंडो से। तो इनका बर्थडे है भाई, कमेंट में डगला कर दो भाई, ढेर कर दो कमेंट में, ढेर कर दो भाई कमेंट में, ढेर कर दो बर्थडे। वाह वाह, बोल दे बोल दे, लाइक और सब्सक्राइब से ढेर कर दो। वाह वाह, तो सो फिलहाल अभी किया है वोल्ट, यहाँ पर बीच जैसी जगह है, बीच में जगह है बेसिकली, वहाँ पर अभी है। अभी फिलहाल चाय आ रही है, आ गई चाय, अलग अलग खत्म करते हैं। नेस्कैफे टी, अभी हम 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। वहां पे हम आधा घंटा करीब उसका ये जो म्यूजियम देखेंगे, उसके बाद सूर्य मंदिर देखने के बाद हम फिर रवाना हो गए भुवनेश्वर की तरफ। ओके ओके, तो भाई नीचे अलाउड नहीं था, सोकरण लेने आ जाओ। कुमार आया, हेलो हेलो, आ चुके हैं वहां से बाहर, कोणार्क सूर्य मंदिर के बाहर। ये पीछे का गेट है, यहाँ से एग्जिट गेट है यहाँ पर। तो भाई पिछले गेट से कोणार्क सूर्य मंदिर पूरा का पूरा विजिट हो गया, और बीच में कौन कौन सब कुछ खा भी लिया, नाश्ता पानी चाय पानी सब कुछ हो गया। अब जा रहे हैं सेकेंड स्टॉप पर, जो कि यहाँ से शायद आधा घंटा दूर पर है। हम आ गए शांति स्तूप टेम्पल, अशोक का शिलालेख देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं वे टू धौलगिरी। हिंदी में थोड़ा सा कच्चा हो, इसलिए भाई कोई भाई से ही बुला लिया, भाई उर्दू में आता है बोलने का नहीं। हम उर्दू थोड़ा टिके टिके जाने हुए, लेकिन स्मॉल हम बुझी पा रहे नहीं। ओके ओके, कुछ समझ नहीं आया। ओके ऐसे ही बोल दिया। ओके चलो, ओके ओके ओके, भाई पूछ रहा है कैसे कैसे मालूम है, कोई जानता है कोई लैंग्वेज तो कमेंट करना, हमने बताओ भाई। यह है अशोक का शिलालेख, अशोक स्तंभ, शांति स्वरूप मंदिर, जो शांति के लिए स्थापित किया गया था।
ये भगवान बुद्ध का मंदिर है जो इसने अशोक जो राजा ने शांति के लिए स्थापित किया गया था।